हर हर महादेव, जय बाबा की, जय माता जी की, करौली शंकर महादेव की जय। हम आए हैं कानपुर शहर बर्तन खरीदने के लिए। ये हमें बहुत बड़ी दुकान दिखी बर्तन की, तो हम इसी के अंदर घुस गए। तो यहाँ से हम खरीदेंगे बर्तन। बीच में हमारा रेस्टोरेंट बाबा की कृपा से बड़ा अच्छा चला है, तो उसके अंदर हमने कुछ पैसे सेव किए हैं, और सेव करने के बाद अब उसी पैसे से हम खरीदेंगे बर्तन। बर्तन की बड़ी ही ज़रूरत थी हमें। पहले तो क्या था, थोड़े ही बर्तन में ना मैनेज कर रहे थे, बहुत ज़्यादा ही मैनेज करना पड़ रहा था, लेकिन बाबा कृपा से हम अब बर्तन खरीदने के लिए आए हैं। चाय बनाने के लिए हमने ये एक बड़ा सा बर्तन हमने लिया है, और बीच में आप लोग कह रहे थे कि आप इडली सांभर जब बेचते हो तो वहाँ पे चाय भी रखा करो, तो हमारे पास उतनी व्यवस्था थी नहीं कैसे करें, तो आप लोग की डिमांड थी जिसकी वजह से हमने ये, आप देख सकते हो हमारे हाथ में हॉटपॉट है। ये सेलो कंपनी का बहुत अच्छा ब्रांड है, और इसका 24 घंटे चाय गर्म रह सकती है। हमने एक हॉटपॉट ख़रीदा था, लेकिन वो क्या था, एक घंटे में ही ना ठंडा हो जा रहा था, चाय डाल रहे थे, तो फिर उसको हमने वापस रिटर्न कर देना है। फिर ये नया लेने के लिए आए, वो किसी और से मंगाए थे, तो वो अच्छी क्वालिटी का ले के नहीं आए। तो मैंने फिर यही सोचा कि अब बर्तन ख़रीदने के लिए हम खुद जाएंगे, अपनी पसंद से अच्छी अच्छी क्वालिटी का, कम ही बर्तन खरीदूँ लेकिन अच्छी क्वालिटी का बर्तन ख़रीदना है, भले ही महंगा आ जाए। फिर ये देखोगे, ये दूध के लिए मैंने ख़रीदा हुआ है, क्योंकि ना दूध जो है ना हम केतली में लेके आते हैं पकड़ के, फिर उसमें से दूसरे भगोने में डालो, गर्म करो, काम बढ़ जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि भगोना ही खरीद लो दूध के लिए, इसमें दूध लाओ, तुरंत दूध गर्म करने के लिए रख दो, चाय भी आपका बन जाएगा, फटाफट काम आपका आसानी से होगा। तो ये मैंने भी ये भी ख़रीद लिया। फिर हमें ना जो ये बघार देते ना, तड़का देते हैं ना, तो कलछुल में दे रही थी, छोटा पड़ जा रहा था, उसमें तेल वेल गिर जा रहा था, तो एक बड़ा हमने कलछुल भी लिया, इसमें आसानी से तड़का दे पाते हैं। और काफ़ी मैंने बर्तनें खरीद ली हैं। और हाँ, कानपुर में ठंडी बहुत पड़ रही है, तो आप दिन में आओ या आप रात में या कभी भी आओ, ठंडी यहाँ पे गजब की है। अभी तो धूप भी निकल रहा है, थोड़े दिनों में ऐसा होगा कि धूप भी निकलना बंद हो जाएगा, थोड़े दिनों में यानी दिसंबर के एंडिंग में, और जनवरी दिसंबर के एंडिंग से लेके जनवरी 5-10 तारीख तक ऐसा रहता है कि कोहरा इतना निकलता है, धूप भी नहीं निकलती है। तो आप दरबार आते हो ना, पूरी व्यवस्था के साथ आप लोग आइएगा। और यहाँ से मैंने एक बाल्टी भी ली। आपको एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी, ये कानपुर में ना जहाँ पे हम लोग अभी रेस्टोरेंट हमारा है, यहाँ पे चोरी बहुत ज़्यादा होती है। तो हमने बीच में 2-4 बाल्टी हमने ख़रीदा था, कई सामान भी खरीदे थे, लेकिन लगभग 3,000 रुपये तक का सामान हमारा चोरी हो गया। तो अब सामान पर बहुत हम ध्यान भी दे रहे हैं। अब जैसे हमारे पास पैसे की व्यवस्था होगी ना, तो हम पूरा उसको घेरने वाले हैं, जो आप देखते हो ना खाली स्पेस दिखता है, उसको पूरा घेर देंगे, ताकि ना चोरी की संभावना ख़त्म हो जाए। ताकि अभी क्या खुला रहता है, थोड़ा भी हम लोग इधर उधर ऊपर नीचे ध्यान भटकता है, तुरंत गायब सामान, ऐसा होता है, वहाँ पे रहना पड़ता है। तो फिर इसीलिए था हमारे पास, लेकिन फिर भी हमें ख़रीदना पड़ा। देख सकते हो कितनी क्वालिटी की चीज़ें हमने खरीदी। ये जो हॉटपॉट देख रहे हो ना, ये रोटी रखने के लिए स्पेशली, आप लोग आते हो, आप लोगों को गर्म गर्म रोटी मिले इसके लिए, और बना के भी रख तो ठंडी ना हो के, इसीलिए हमने ये भी खरीदा था। महंगा तो पड़ा, लगभग हमने यहाँ से 8,000 रुपये का सामान खरीदा। ये छोटा ही हमने हॉटपॉट लिया है, क्योंकि ये ना अभी उतना बजट भी नहीं था, हम सोचे कि इसे बड़ा ले, लेकिन बड़ा थोड़ा महंगा पड़ता था, सोचो काम चलाऊ अभी ले लेते हैं, जब बाबा पैसा देंगे तो बड़ा भी खरीद लेंगे। ये वाइपर भी लिया, अच्छी क्वालिटी का है। बीच में हमारे पास वाइपर था, लेकिन वो तो थोड़ा सा गलती की वजह से भैया थे उनसे टूट गया, तो अब क्या बोले, तो हमने सोचा कि चलो छोड़ो नया खरीद लेंगे। ये बाल्टी भी मुझे पसंद आई सांभर रखने के लिए, लेकिन ये थोड़ी महंगी लगी बजट के हिसाब से, तो हमने बाद में ले लेंगे इसको, ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब आप पैसा देंगे बाबा व्यवस्था करेंगे फिर ले लेंगे। तो बहुत जब दुकान में आओ ना, तो ऐसा लगता है क्या खरीद लो क्या खरीद लो, ये भी रख लो वो भी रख लो, लेकिन जो जवाब है ना, जो हमारा जेब है ना, वो जवाब दे देता है, कहता है कि नहीं बाद में, तो ले नहीं पाते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा शॉपिंग करने के बाद। अब आप लोगों को ना ब्रांडेड क्वालिटी चीज़ें मिलेंगी, क्वालिटी बर्तन में क्वालिटी वाली चीज़ें मिलेंगी। ये देख सकते हो मिल्टन का हमने काफ़ी बड़ा एक हॉटपॉट लिया हुआ, इसके अंदर चाय पानी या फिर सांभर या कोई भी गर्म चीज़ें अगर रख दिए ना, 4-5 घंटे तक वो देखना नहीं पड़ेगा, गर्म पड़ा रहेगा। अभी आप लोग आएंगे ना इस अमावस्या इस पूर्णिमा पे, गर्म गर्म सांभर आप लोगों को मिलेगा इसके अंदर। तो ये सब बाबा ने पैसा हमें दिया था, हम सेव किए और उसी पैसे से हमने ये खरीद लिया है। बहुत सारी चीज़ें हमें लानी है। अगर आप गुरु भाई बहनों में से किसी के पास बर्तन की दुकान है,
तो आप मुझे नॉन स्टिक की तवा दे सकते हैं, मैं आपको उसके पे भी कर दूंगी, लेन देन जरूरी है। ठीक, तो आप लोग ला के दीजिएगा अच्छी क्वालिटी का, वो मुझे खरीदना है। अभी यहाँ पे पैसे नहीं उतने हो पाए तो हम लोग नहीं ला पाए। और भी जो चीज़ें आपको समझ में आए कि नहीं मांग दीदी की दुकान पे ये भी होना चाहिए तो ला के दीजिएगा, और आप पैसे प्लीज बता दीजिएगा। ठीक, मैं चाहती हूँ कि जब सामान हम किधर दुकान से ले ही रहे हैं तो क्यों ना हमारे जो गुरु भाई बहन है, अगर आप लोगों की दुकान है तो आप लोग को सेवा मिले ना, आप लोग उसका प्रॉफिट लो, हम किसी और को क्यों दें। तो अभी हमें बर्तन का एक स्टैंड भी लेना है, जो मतलब दीवार पे लगा देते हैं बर्तन, पूरा उसके अंदर बर्तन रहता है तो इजी होता है निकालना, फिर रखना, फिर काम भी थोड़ा आसान होता है। अभी क्या होता है ना कि सारे बर्तन में जो एक नीचे रखने वाला स्टैंड आता है ना, उसी में रखती हूँ, तो उसमें मजा नहीं आता है, उसमें बार बार रखो निकालो आवाज बहुत होता है, तो ठीक जमता नहीं है। तो लेना है वो भी, भैया देखो हमारा सारा सामान हमने ले लिया, पैकिंग भी कर लिया, लेकिन मेरी जो नजरें हैं ना अभी भी बर्तनों पे हैं, क्या ले लूँ क्या ले लूँ क्या, बस लेकिन क्या करे। जितेश जी तो वैसे हैं कि मुझे डांट भी देते हैं कि ले लिया ना बस करो, लेकिन मेरा क्या है कि रख लो बटोर लो बटोर लो, ऐसा होता है। अरे इंसान करता भी किसके लिए, अपने लिए तो करता है, अपने परिवारों के लिए तो करता है। हम थोड़ी ना कुछ ले जाएंगे, हम जो भी चीजें खरीदेंगे उसमें आनंद कौन करेगा, खाएगा पिएगा कौन, आप ही लोग करोगे ना। ये देखिए बाबा माता, हमने मिल्टन का हॉटपॉट लिया है, ये आपका है बाबा माता, ये बाल्टी भी ली है, और यहाँ पे हमने रोटी गर्म करने के लिए हॉटपॉट लिया है बाबा माता, ये सारा आपका है। मैया को दे दो यार, बाबा को दे दो, पहले बाबा चाय वाय पियेंगे, देखेंगे मेरे बच्चे लोग ने क्या खरीदा है, आज क्या लाए हैं मेरे बच्चे लोग, थोड़ा देखा जाए। ऐसा बाबा माता ना आपस में बात कर रहे होंगे, मेरे बच्चे लोग इतना मेहनत से कमाए थे, महीने भर की कमाई जमा किए थे, गए एक ही बार में सारा सामान ला दिए, देखो। हाँ बाबा, लेकिन बाबा हाँ इस बात से कि हम बच्चों को क्वालिटी चीज देना चाहते हम हैं। क्वालिटी देना चाहते हैं, है ना, इसीलिए इतना महंगा चीज लेके आए हैं मिल्टन का। बाबा के चक्कों को सब दिखा दो ना कि हमने बाबा ये भी लेके आए हैं, हम चाकू लगाए, कैची, बाबा सब लाए हैं आज, सब ला दिए बाबा, देखो सब लाए हैं। इसके इसमें हम चाय देंगे भक्तों को, अब अच्छे सर्विस देंगे, क्वालिटी लाए बाबा इस बार हम। माँ को बाबा भी ये वाला देखो ना बाबा, बाबा ये वाला ये मिल्टन में ये हम लोग लाए बाबा, एक बार गर्म रहेगा बाबा, इसमें चाय जब एक बार रखते हैं ना तो बाबा इसमें 24 घंटे तक चाय बोल रहे थे गर्म गर्म रहेगा, रहता ये है। देखिए बाबा। हाँ अब इसमें ना हम लोग सुबह सुबह इडली के संग हम लोग चाय भी देंगे बाबा। मैया भी मुस्कुरा रही है मंद मंद कि लोग का क्या कर रहे हैं। मेरे बाबा थैंक यू सो मच, थैंक यू बाबा, बाबा इतना सारा सामान बाबा दे दिए। बाबा पता है कितने का सामान है टोटल, ये लग 7,500 का सामान लाए हैं हम आज, आपने पैसा दिया और आप ही के पैसे से लेके आए हैं हम सब। धन्यवाद मेरे बाबा, धन्यवाद बाबा, जस्ट तो अभी भाई पहुंचे भैया। ये देखो ये चाय वाला, आंखें तापते यार, आंखें तापते हैं बाबा, भैया ने बार दिया पैर वैर से कुछ गरम गरम, मम्मी